जितनी भी मातृ शक्ति यहाँ पे पहुंच सकती है उतनी आइए, क्योंकि 28 तारीख को नई संसद भवन के सामने हमारी खाप पंचायतें हैं महिलाओं की और युवाओं की, तो जितने भी आ सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे आइए। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम आज इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आज पहलवानों के प्रदर्शन को एक महीना पूरा हो गया है। आज जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च का कॉल दिया गया था। यहां पर हर वर्ग के लोग, छात्र, नौजवान, सीआईटीयू से जुड़े लोग, महिला समिति से जुड़े लोग यहां पर आए थे। हमने उन सभी लोगों से बात की है, देखिए न्यूज क्लिक की ये खास रिपोर्ट। जितना समय लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा इसमें, उससे पता लग रहा है कि ये जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कामकाजी महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा का सवाल है उसके प्रति की जो कमिटमेंट है वो जीरो है। बिल्कुल हर जगह के ऊपर ये जो अपराधी हैं उनको बचाते नजर आ रहे हैं, और असल में महिलाओं की सुरक्षा का जो नारा दिया था बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार के अंदर महिलाओं के ऊपर 27% हिंसा बढ़ी है, और खिलाड़ी लड़कियां जो देश का नाम करती हैं उनके ऊपर जो हिंसा के ये केस आ रहे हैं ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे बहुत कुछ उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। आज आप पब्लिक का आवाज सुन रहे होंगे, आज एक छोटी सी मोमबत्ती की ताकत आप देख रहे होंगे। ये आग जो है ये मोदी सरकार के लिए चिंगारियां बनके और उसकी सरकार को फूंकने वाली है, ये सरकार ध्यान रखे। और 28 तारीख को हमारी महिला महापंचायत रखी गई है। पूरे सरकार देश से हम अपील करते हैं कि पूरे देश की औरतें, बहनें, माताएं यहाँ पे जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ये हमारी सांझी बेटियां हैं। तिरंगे को नीचे मत गिराने देना भाई, ऊपर उठा लो, क्योंकि हम इसी के लिए खेलते हैं और ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। तिरंगे को ऊपर रखो। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाए तो हम लोग जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि वो कमेटियां हर एसोसिएशन में, हर फेडरेशन में बने वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्याय मिले ये तो जरूरी है ही। इसके अलावा तमाम खिलाड़ी लड़कियों की सुरक्षा का सवाल हमारे लिए बहुत गंभीर सवाल है। ये आंदोलन कामयाबी की तरफ जा रहा है और कामयाब होगा। आज का दृश्य देख के मैं आश्वस्त हूँ कि ये कामयाब होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन ये जो हमारे रेसलर है ना, इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के सारे नेता यहाँ जाएं और आके यहाँ हमारी मदद कराएं, मैं न्याय दिलाएं। मैं तो अभी भी इनवाइट कर रहा हूँ, मैं भी उस आंदोलन का एक पार्ट हूँ कि बीजेपी के सब नेता वहाँ आके इनको न्याय दिलाने का काम करें, राजनीति ना होने दें। अगर राजनीति के जरिए अपराध आरोपियों को, अपराधियों का संरक्षण होगा तो उनके खिलाफ बोलेगा कौन? तो हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अपराधी कितना बड़ा क्यों ना, संविधान के आगे बहुत छोटा सा है, तो आज नहीं तो कल अपराधी को सजा मिलेगी, वो संविधान के दायरे में आके कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और फिर मैं कह रहा हूँ सरकार को अपराधियों का संरक्षण बंद करना चाहिए। पिछले एक महीने से हमारे जो रेसलर्स हैं उनके साथ तमाम लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, हम जंतर मंतर में बैठे हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारी जो सरकार है वो सरकार जो दोषी है उनको गिरफ्तार करने की बजाय डिफरेंट तरीके के दबाव जो रेसलर्स हैं उन पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके का बयानबाजी अभी जो कह रहे थे आप, बृजभूषण कर रहा है, ये वो कर नहीं सकता अगर उसके हाथ में कोई बड़ा पावरफुल आदमी का हाथ ना हो। बेसिकली हम लोग बैठे हैं, ये लोग बहुत, इनके कुछ लोग आके हमसे कह भी रहे हैं कि आप जब इतने दिन बैठी हैं तो क्या क्या ही अब असर होगा। लेकिन हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ था आप 13 महीने बैठे थे तो धूल चटा दी थी, हम अभी भी बैठेंगे, अभी भी आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यही बात प्लेयर्स कह रहे हैं, प्लेयर्स का आंदोलन है, हम उनके साथ हैं और हम आंदोलन करेंगे, और हमें पता है कि आखिर में इनको दे विल हैव टू रिलेंट। अभी ये दिल्ली से बाहर मूवमेंट कम गया है, अभी दिल्ली से बाहर भी ये जाएगा जिस तरह के हैं जी। थोड़ा आपके क्षेत्र की अगर बात करें, मतलब सब जगह की जाएगा, पूरे देश भर में जाएगा। क्यों सरकार की जो खामोशी है उस पर अगर थोड़ा, अरे सरकार तो खामोश है ही भाई, उस पर क्या बताऊं, सरकार तो बोल ही नहीं रही भाई। सरकार जिस दिन बोलना शुरू कर देगी इसका समाधान निकल जाएगा, सही को सही कहने की आज़ादी मिल जाएगी, कैमरा और कलम से बंदूक का पहरा हट जाएगा, तो उस दिन कुछ शुरुआत होगी।